2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, लेकिन खेती पर लागत खर्च को ही इन्होंने दुगनी कर दिया। किसान अन्नदाता भी है, मतदाता भी है। ये मोदी जी को ये महापंचायत चेतावनी देने के लिए आई है। यहाँ दिल्ली का पानी 20-25 रुपए लीटर, किसान का दूध 25 रुपए लीटर। खुल के प्रो कारपोरेट है, कोई शर्म नहीं करते अडानी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कि अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। और रामलीला तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। तो भारत के जो अन्नदाता हैं वो अलग अलग राज्यों से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं महापंचायत को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर तमाम छोटे छोटे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज रामलीला मैदान में आए हैं। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इतने लंबे किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से दिल्ली में किसानों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत आन पड़ी। ये कार्यक्रम पीछे जो हमारा आंदोलन सस्पेंड करना पड़ा था, उस टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट ने लिखित में आश्वासन दिए थे, मतलब 3 कानून के बाद एमएसपी की जो कानूनी गारंटी देने के लिए उन्होंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे हम। वो कमेटी तो बनी, लेकिन उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानूनी गारंटी का उल्लेख ही नहीं है, नो मेंशन। जब इस देश के प्रधानमंत्री संसद की सर्वोच्च पटल पर कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो हम किसान हाथ जोड़कर आपसे प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं कि उस एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाइए, उस एमएसपी को कानूनी गारंटी जो है मुहैया कराइए। हमारे इशू जो पेंडिंग है, किसानों ने हमें तक हमारी मांगे नहीं मानी हैं। कुछ मांगे पेंडिंग हैं, कुछ हमारी मांगे जो हैं वो नहीं जोड़ी हैं हमने। इसलिए हमारी ये मजबूरी हो गई है और ज़रूरत भी है कि हम अपने इश्यूज को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये चीज़ों को, इसके लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखें। किसान तो इकट्ठा थे ही, केवल दिल्ली का डेरा हटाया था, लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था, स्थगित किया था। और ये निश्चित कि किसानों ने जो 3 कानून वापस लौटाए उसके बावजूद, जबकि किसानी के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स की घुसपैठ चालू है, बिल गेट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भूमि अभिलेख रखने का जिम्मा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जारी है, और उनके जो उत्पाद है किसानों के श्रम और प्रकृति के साथ लाए हुए, उसके धंधे से इन्होंने लॉकडाउन में भी 6 गुना संपत्ति बढ़ाई है। अडानी की केवल जागीर नहीं है, अंबानी की जागीर नहीं है, ये देश किसान मजदूरों का है। खेती को आप लाभकारी बनाइए। खेती से लोग भाग रहे हैं, खेती से मन टूट रहा है, खेती एकदम आने वाले दिनों में और गहरा संकट बनेगा, देश में खाद्य सुरक्षा का खतरा हो जाएगा। मोदी सरकार को यही करे, खेती को आप लाभकारी बनाइए। खेती को कैसे, खेती पर खर्चा को कम कर दिया जाए। अगर इस देश में हर सामान पर MRP हो सकता है, अगर पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का बिक सकता है, उससे कम का नहीं बिक सकता है, तो इस देश के किसान का जो मूल्य है, जो उसका धान है, जो उसका गेहूं है, वो समर्थन मूल्य से कम में क्यों बिक रहा है, ये हमारा प्रश्न है। उन्होंने ये कहा था बिजली बिल 2020 जो है वो बिना स्टेक होल्डर्स के कंसल्ट किए संसद में नहीं रखेंगे, लेकिन रख दिया बिना कंसल्ट किए, और ऊपर से कर्जे की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, एक के बाद एक फसलें खराब हो रही हैं। अभी भी एक हफ्ते से जो है कहीं ओले गिर गए, कहीं गेहूं और फसल की फसलें गिर गई हैं एक्सेसिव रेन होने की वजह से। तो ऐसी स्थिति में मुआवजा मिल नहीं रहा, फसल बीमा योजना वो खुद प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। किसानों को चाहिए अपने उपज का, अपने मेहनत का सही दाम, लेकिन ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये अन्न सुरक्षा की बात है। हर गरीब मजदूर, हर पछुआरा, हर पशुपालक, हर आदिवासी जो जंगल पर जीता है,
उसको भी सही सम्मान चाहिए। और दूध का, फसल का, फल का, सब्जी का, पहाड़ी अनाज का सही दाम नहीं दे रही है, उसका कानून नहीं बना रहे। आज इस देश के गांव, आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं, आप देखिए आज किसान का बेटा नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान हो, वो अपनी ज़मीनों को बेच करके दिल्ली भेजता है, बेंगलोर भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, वो अब किसानी नहीं चाहता है क्योंकि किसानी घाटे का सौदा हो चुका है। किसानों को ऐसी वैसी योजनाएं आप दे दीजिए, आप तो तमाम चीज एक एक करके आप सब्सिडी हटा रहे हैं, खेती पर जो सब्सिडी दी जा रही है अब प्रति वर्ष आप खाद पर से सब्सिडी हटा रहे हैं, खाद महंगा होता जा रहा है, किसान की बस की बात नहीं रह रही। आप कम से कम खेती को लाभकारी बनाने के लिए खेती पर जो लागत खर्च के जरिए उसको आप कम कीजिए। ये घोषणा पत्रों में सब्सिडी दे रहे हैं 6,000 रुपया और उनकी लाखों करोड़ों की कर्ज माफी और कर माफी 8 साल में कर चुके हैं, तो ये जो विभत्स गैर बराबरी है उसका विरोध करके ही किसान इस देश का जनतंत्र बचाएंगे। बहुत बड़ी जालसाजी वो कर रहे हैं, कितना ही प्रॉफिट प्रीमियम के तौर पे कमा रहे हैं वो, लेकिन दे नहीं रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज खास तौर पे ये संदेश देना है कि जो कॉरपोरेट परस्त नीति है वो बदलनी जरूरी है, वो नहीं बदली जाएगी तो कृषि का संकट हल नहीं हो सकता। गांवों में भारत बसता है, मैंने कोई किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कि गांवों से भारत है, लाखों गांव भारत को बनाते हैं। आज वो गांव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आज वो गांव खतरे में है क्योंकि उस गांव से आबादी शहरों की तरफ पलायन कर रही है। रामलीला मैदान में आज किसान जो है वो इकट्ठा हुए, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किसान जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं, फिर से क्यों आए हैं। तो किसानों का ये कहना है कि जब 3 कृषि कानून बिल को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को खत्म करते टाइम केंद्र सरकार ने उनसे कहा था कि उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगे जो है वो नहीं मानी गई है, जिसको लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसानों का ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार अभी भी उनकी बात नहीं मानती है तो वो ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रखेंगे।